अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसमें सबसे पहले हम टेंशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे उन दो बॉडीज के लिए जो कि वर्टिकली मूव कर रही हैं, अटैच विद अ स्ट्रिंग है और पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंशन क्या है। टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करती है। और ये कब प्रोड्यूस होती है? अगर आप एक धागे को वैसे रख दें, ठीक है, किसी सपोर्ट के साथ अगर आप धागे को लटकाएं, जैसे ये सपोर्ट है और इधर एक धागा है, तो वो ऐसे ही, मतलब उसमें आप टाइटनेस नहीं फील करेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर आप उसी ही धागे के साथ, उसी स्ट्रिंग के साथ या रोप के साथ कोई ऑब्जेक्ट लटका दें, अब आप फील करेंगे कि जो रोप है वो पहले की निस्बत ज्यादा टाइट हो चुका है, टॉन्ट हो गया, सख्त, उसमें सख्ती सी फील करेंगे। तो वो जो सख्ती है वो ही उसके अंदर टेंशन कहलाती है। तो टेंशन क्यों प्रोड्यूस हुई? हुआ ये कि आपने लटकाया उसके साथ वेट। वेट किधर एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जाहिर है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि अगर एक बॉडी एट्रेस्ट है, ये जो ब्लॉक हमने लटकाया है एट्रेस्ट है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रही है जिसने इस ब्लॉक को नीचे मूव करने से रोका हुआ है। और वो कौन सी फोर्स है? वो है टेंशन। और वो किधर एक्ट कर रही है? वर्टिकली अपवर्ड। वो वर्टिकली अपवर्ड जो है वो एक्ट कर रही है। तो यहां पर अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि टेंशन इक्वल है वेट के। वेट के इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्योंकि फोर्स है, इस वजह से इसे न्यूटन, इसका यूनिट है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन को। अगर आप टेंशन के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूट्यूब पे मेरी एक और वीडियो मौजूद है जो कि आप चैनल में सर्च करके डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं उसके लिए ये इतना काफी है कि आप याद रखें टेंशन क्या है, ये अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करती है, कब प्रोड्यूस होती है? जब आप वर्टिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे लटकाते हैं तो वेट वर्टिकली एक्ट डाउनवर्ड करता है। अगर बॉडी एट्रेस्ट है तो इसका मतलब है कोई एक और फोर्स है जिसने उसे बैलेंस किया है। और वो कौन सी फोर्स है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसमें बच्चों हम डिस्कस करने लगे हैं वर्टिकल मोशन, ठीक है। किन बॉडीज की? दो बॉडीज की जो कि आपस में अटैच्ड हैं, किसके साथ? एंड्स ऑफ स्ट्रिंग के साथ। और वो स्ट्रिंग किससे पास कर रही है? फ्रिक्शनलेस पुली से, ठीक है। तो इसमें वैसे ऊपर लिखा नहीं हुआ लेकिन एक्चुअल में हम दो चीजें फाइंड करेंगे। एक, उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है, उस टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो जो ब्लॉक्स हैं वो कितनी तेजी के साथ, कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम दो चीजें फाइंड करेंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन, फॉर दीज टू बॉडीज जो कि मूव कर रही हैं वर्टिकली। एक मूव करेगी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। जो अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगी उसे हम वर्टिकल कहेंगे। तो अपवर्ड मूव करेगी और दूसरी डाउनवर्ड। अब इसके लिए हमने किया क्या? इसके लिए हमने पहले कंसिडर कर लिया कि दो बॉडीज हैं, ठीक है। एक को नाम दे दें, आप कह दें कि बॉडी ए है और जो दूसरी बॉडी है वो है बॉडी बी, ठीक है। तो ये है हमारी बॉडी बी। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया बी का। अब आप फिगर से देख सकते हैं कि जो बॉडी ए है वो कंपैरेटिवली बिगर है बी से, ठीक है। तो ये भी आपने कंडीशन लगा देनी है कि कोई एक बॉडी बड़ी है दूसरी बॉडी से। तो हमने ये कहा है कि जो बॉडी ए है वो कंपैरेटिवली बड़ी है, मैस उसकी ज्यादा है बॉडी बी से। फिर क्या किया?
These bodies are attached to the opposite end with an inextensible string. एक string के साथ उसे जोड़ देना। अब वो string कैसी है? Inextensible. Inextensible कौन सी होती है? एक ऐसी string जिसकी जो length है वो ना change हो, उसे हम inextensible कहते हैं। अच्छा, अगर tension change, अगर length change हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो स्ट्रिंग है उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट होगी तो फिर क्या होगा? फिर हम जो यूनिफॉर्म टेंशन वाली वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मीन के एक ब्लॉक फर्ज करें ज्यादा जो वेट वाला है वो ज्यादा तेजी से हो सकता है मूव करे, और जो कम वेट वाला है वो कम तेजी से मूव करे जब आप उसे किसी एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध देंगे। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसा कि आप इलास्टिक के साथ अगर दो बॉडीज को बांध दें तो जो भारी होगी और आप उसे अपने फिंगर पे रखें तो जो भारी होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी एज कंपेयर टू जो कि हल्की होगी। ठीक है, तो वो एक्सटेंसिबल होता है, जो इलास्टिक होता है वो एक्सटेंसिबल होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर करना है वो इनएक्सटेंसिबल है, जो लेंथ चेंज नहीं होगी जिस रोप की स्ट्रिंग की ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। फिर वो पास करता है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यानी कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो वैल्यूज फिर हमें लिखना पड़ता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। ठीक है, तो जाहिर है उससे भी जो आंसर है, जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने फ्रिक्शनलेस पुली कंसीडर की। फिर क्या है कि अगर मास ए की कंसीडर की है ज्यादा है कंपैरेटिवली बी के, तो जाहिर है ए कंपैरेटिवली हैवियर है बी के। तो जब हम उसे बांधेंगे और किसी पुली के ऊपर से गुजारेंगे, ये आपको पता है पुली है, तो ए क्योंकि हैवी है तो ये हैवी होने की वजह से मूव करेगी डाउनवर्ड। ठीक है, ये हैवी है और इस वजह से जो ए बॉडी है वो मूव करेगी डाउनवर्ड। अब ये क्योंकि अटैच है बी से, अब जाहिर है दोनों अटैच है, तो जब ए मूव करेगी डाउनवर्ड तो बी किधर मूव करेगी? अपवर्ड। जब वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो जाहिर है ये मूव कर रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसे हमने नाम दिया है ए का, जो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी वो एक्सेलरेशन ए है। अब इसमें ए बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, और जो बी बॉडी है वो मूव करेगी अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, और टेंशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें टी से। तो जो अभी तक हमने किया है उसे हम रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया? हमने दो बॉडीज कंसीडर की, उसमें एक बॉडी को हमने कंसीडर किया हैवी है और दूसरी बॉडी को कंसीडर किया कि कंपैरेटिवली लाइट है, और हमने दोनों को एक स्ट्रिंग के साथ जो कि इनएक्सटेंसिबल है जिसकी लेंथ चेंज नहीं होगी उसके साथ अटैच कर दिया, और फिर उन्हें पास कराया किसी फ्रिक्शनलेस पुली से। अब एक बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड क्योंकि दोनों बॉडी अटैच हैं, तो एक बॉडी मूव करेगी अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है, और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसे हमने कंसीडर किया है वो क्या है? कैपिटल टी। नेक्स्ट बच्चों, ये कि अब ये पहले बताया जा चुका है कि ए बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड, तो इसका वेट, इसका मतलब है M1G greater than tension T होगा। ठीक है, M1G greater than T। अब ऐसा उसने क्यों कहा? अब हुआ ये कि M1G बॉडी जो A है, ये जो बॉडी A है ये मूव किधर कर रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अगर कोई बॉडी है जैसा कि हमने कंसीडर किया है, अब इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, ठीक है, एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और एक लग रही है अपवर्ड टी, और ये है एम वन जी। ठीक है, अब इसमें देखा कि आप देखें कि एम वन जी और टी में बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी मूव कर रही है एम वन जी की डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी मूव कर रही है M1G की डायरेक्शन में तो M1G बड़ा है T से, तो नेट फोर्स किसकी इक्वल होगी? बड़ी फोर्स
माइनस छोटी फोर्स। इसे आप यूं कंसीडर कर लें कि फर्ज करें कि वही के दो पर्सन है, वो किसी एक रस्से पे जोर लगा रही, ठीक है। अब फर्ज करें एक पर्सन फोर्स लगा रहा है 100 और दूसरा पर्सन फोर्स लगा रहा है 70, तो कौन जीतेगा? जाहिर है जो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है रस्सा उसकी तरफ मूव कर जाएगा, तो वो कितनी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, 30 न्यूटन। तो अगर हमें कोई पूछे कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इस वजह से हम उसे माइनस करेंगे, हम लिखेंगे 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30, मतलब बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहां पर आपने देखा कि बॉडी मूव करके इन द डायरेक्शन ऑफ m1g और ऊपर फोर्स क्या लग रही है t, तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो फोर्स बिगर है और वो कौन सी है m1g, तो इस वजह से हम यहां पर क्या लिखेंगे m1g माइनस टी। अब बच्चों हमने लिखा m1g माइनस टी, हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। फिर ये कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखेगा कि नेट फोर्स किसके बराबर होती है, नेट फोर्स बराबर है एम ए के। अब यहां पर क्योंकि हम एम वन बॉडी को डिस्कस करें इस वजह से हम एम वन ए लिखेंगे। अब वेट क्योंकि एम वन बॉडी का था इस वजह से हम लिखेंगे एम वन जी, क्योंकि याद रहे कि वेट किसके बराबर होता है, तो वेट किसके बराबर होता है एम जी के। अब हम बॉडी बी के लिए देखते हैं। अब देखें ए और बी बॉडी अटैच है, ए बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड, तो आप खुद सोचें बी बॉडी किधर मूव करेगी, जाहिर है अपवर्ड। अब बी बॉडी पर देखें कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, इस पे भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक है टी और दूसरी है एम टू जी। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो एम टू जी के बराबर है और टेंशन वर्टिकली अपवर्ड टी के बराबर है। अब ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, टी की डायरेक्शन में, ये बॉडी मूव कर रही है टी की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है टी के डायरेक्शन में, तो टी ग्रेटर है एम टू जी से। आपको बताया था कि जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब है टी ग्रेटर है एम टू जी से। तो इसके लिए हम लिखेंगे बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, टी माइनस एम टू जी। तो अब ये क्लियर है ना कि इधर एम वन जी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर वेट ज्यादा था टेंशन से, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी डाउनवर्ड और टेंशन थी अपवर्ड, और यहां पर टी माइनस एम टू जी क्यों, क्योंकि यहां पर टेंशन ग्रेटर है उसके वेट से, क्योंकि बॉडी मूव करी अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वही एम टू ए के, एम टू ए। अगर वो एम टू वाली बॉडी है तो एम टू ए, अगर एम वन वाली होती तो एम वन ए। तो यहां पर हम इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे दें ए का और इस इक्वेशन को नाम दे दें बी का, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन बी। अब हमने इन दोनों इक्वेशन ए और बी को यूज करके हमने फाइंड करना है दो चीजों को, टेंशन और एक्सेलरेशन को। अब वो कैसे करेंगे वो आगे हम देखते हैं। इसमें बच्चों देखें कि हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया और एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड किया, इक्वेशन ए और बी या जिसे वन और टू आप कह लें उनके जरिए आपने फाइंड किया, ठीक है। अगर हमने उसे ए और बी लिखा था तो यहां पे भी हम ए और बी लिख देते हैं, ए और बी, आपकी मर्जी है, आप वन और टू भी यूज कर सकते हैं, ए और बी जो भी। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। अब ये याद रखिएगा राइट साइड राइट में ऐड होगी और लेफ्ट साइड लेफ्ट में, तो एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, जिसे हमने नाम दिया था इक्वेशन ए का, वो लिख दिया। और फिर इक्वेशन ये प्लस हमने ऐड किया
और फिर क्या है, ये दूसरी इक्वेशन है टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, ये हमारी आ गई बी इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट आप क्या करें, राइट साइड को राइट में ऐड करें और लेफ्ट को लेफ्ट में। अब इधर क्या आ गया, एम वन जी ये लिख दिया, इधर माइनस टी और प्लस टी, माइनस टी और प्लस टी, जैसे प्लस फाइव और माइनस फाइव कट जाएंगे इसी तरह माइनस टी और प्लस टी कट गए। बाकी क्या बचा, माइनस एम टू जी वो लिख गया, माइनस एम टू जी, ये हमारी आ गई लेफ्ट साइड की, दरमियान में इक्वल का साइन ये डाल दिया। एम वन ए ये लिखा, अब ए और बी ऐड हो रहे हैं ना, तो एम वन ए प्लस एम टू ए, राइट साइड में राइट वाली ऐड कर दी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली। अब फिर देखें कि इसमें एम वन जी माइनस एम टू जी में क्या कॉमन है, जी कॉमन है, तो जी कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए में क्या कॉमन है, ए, तो ए कॉमन निकाल लिया। अब इधर ये वाली चीज है, ये क्या कह रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, और ये एक्सरे, तो इसे हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एम वन माइनस एम टू और डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू जी। तो इस तरह हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की। अब आप नेक्स्ट जो है वो टेंजेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं इन्हीं इक्वेशन से, ए और बी को यूज करते हैं। इसमें बच्चे टेंशन है कि हमने इक्वेशन इन दोनों को टेंशन फाइंड करने के लिए जो हमने इक्वेशन ए और बी या वन और टू ली थी उन दोनों को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ए और बी या वन और टू पे एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। अब हमने इक्वेशन ए लिखनी है, ठीक है, ए इक्वेशन लिखी और फिर उसे डिवाइड कर दिया, ये वाली ए इक्वेशन है, ये आपको सामने नजर आ रही है, ये कौन सी इक्वेशन, ए, और फिर डिवाइड लाइन लगा देंगे राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, और बी इक्वेशन लिख देंगे, ये आपको जो दूसरी नजर आ रही है टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, ये दूसरी इक्वेशन है डिवाइडेड बाई पी या टू इक्वेशन। अब इसमें देखें इधर भी ए है इधर भी ए है, ये कट जाएंगे, ठीक हो गया, तो ये वही लिख दिया एम वन जी माइनस टी टी माइनस एम टू जी, इधर ए और ए कट गया, तो बाकी क्या बचा, एम वन डिवाइडेड बाय एम टू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ये एम टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये एम वन इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए एम टू जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो गया एम टू उधर और एम वन इधर आके टी माइनस एम टू जी के साथ। अब एम टू को एम वन जी से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, एम वन एम टू जी, दरमियान में माइनस ये माइनस, एम टू को मल्टीप्लाई की टी से तो क्या आ गया, माइनस एम टू टी इक्वल का साइन, एम वन मल्टीप्लाई हो टी से एम वन टी माइनस का माइनस, एम वन मल्टीप्लाई हो एम टू जी से तो क्या आ गया, एम वन एम टू जी। अब एम वन एम टू जी इधर भी है, ये आप देखें ये, और इधर भी है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो इधर जो माइनस है उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो एम वन एम टू जी प्लस एम टू एम टू जी, इधर एम वन टी ही रहे, लेकिन इधर वाला जो माइनस एम टू टी है वो जब इधर आएगा तो प्लस एम टू टी बन जाएगा। अब इसमें देखें एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी, तो अगर मैं आपको कहूं एक्स प्लस एक्स किसके बराबर होगा तो टू एक्स के बराबर होगा, तो इसी तरह एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी किसके बराबर होगा, टू एम वन एम टू जी, इक्वल की जगह इक्वल और टी इसमें कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, एम वन प्लस एम टू इंटू टी। अब एम वन प्लस एम टू दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो टी किसके बराबर आ गया, टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। तो बच्चों यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।